सिडको के अंदर इनकी मीटिंग हुई, वो शटर के अंदर रात में 1 बजे के टाइम में। मुझे लगता है कि वहाँ के दाल में कहीं काला हो गया रातों रात। यहाँ का मैं विकास का काम करता रहता हूँ। लोग की चाहत कितनी थी और कितनी नाराज़गी उसके अंदर उन्होंने जताई। आने वाला विधानसभा का इलेक्शन मैं जो है तो पूर्व से लड़ने जा रहा हूँ, और कहीं भी रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुहर्रम डालने का मैं काम करता हूँ अपनी जाती खर्चे से। आज भी जो है तो विधानसभा के अंदर मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आदाब, मैं हूँ काजी शफाउल्लाह का, आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साहिब खान पठान साहब की, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आइए उनसे बात करते सब। जैसा हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवारी दाखिल करे थे और फिर बाद में नाम वापस ले लिए थे। अभी आपने विधानसभा लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर? मसला जब लोकसभा का इलेक्शन का जब सामने हमारा जब वापस लेने का मकसद था, तो ये मिल्लत ख़ौन के लिए कई मसले उसके अंदर आ गए थे। ये तमाम औरंगाबाद की जनता और कई उलमाए इकराम मेरे पास, यानी तकरीबन 3 रोज़ तक जो है तो ये इसमें हमारी कश्मकश चली, और आखिरी दिन के अंदर भी रात में 3 बजे के अंदर उलमाए इकराम ने जो है तो मुझे ये बात कही कि भाई आप कौम मिल्लत के लिए एक मरतबा वापस लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके बात पर लबैक कहा कि इंशाल्लाह बिल्कुल कौम के मिल्लत का मसला जब आ गया है तो इंशाल्लाह हम वापस ज़रूर ले लेंगे। तो इस बुनियाद पर मैंने जो है तो लोकसभा के इलेक्शन का जो है तो फॉर्म वापस लिया हूँ। तो उसके बाद जो तमाम मेरे अतराफ़ के अंदर खुलदाबाद, दलदाबाद, कन्नड़, वजापुर मेरे दौरे हुए, और दौरे होने के बाद समझ में आया क्या लोग की चाहत कितनी थी और कितनी नाराज़गी उसके अंदर उन्होंने जताई। क्या नाराज़गी इसलिए हुई कि भाई आपने वापस फॉर्म लेना नहीं चाहिए था। तकरीबन लोग आपके, यानी ग्रामीण के लोग आपके साथ में थे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आप ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन का मैंने वापस ले लिया हूँ, मुझे खिदमत के लिए मैं खड़ा था, लेकिन आने वाला विधानसभा का इलेक्शन मैं जो है तो पूर्व से लड़ने जा रहा हूँ। इसलिए लड़ने जा रहा हूँ कि ताकि मैं कि अवाम की खिदमत, क्योंकि पूर्व के अंदर ऐसे हालात हैं हमारे नारेगांव जैसे आप बस्ती के अंदर देख सकते हैं। तमाम यहाँ के नेता जो इच्छुक उम्मीदवार जो है तो अपने आप को दावे करने वाले 5 साल में एक मरतबा आते और अपना दावा जो है तो यहाँ पे ठोक के चले जाते हैं कि भाई आने वाला विधानसभा का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम हर साल, आपने कहीं मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कहीं तमाम मीडिया के माध्यम से जो है तो मैंने यहाँ पे जो है तो हर साल यहाँ का मैं विकास का काम करता रहता हूँ, मुहर्रम को डालने का काम। यहाँ पे इतनी दिक्कत बारिश के अंदर, इतने ऐसे मौसम के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं, जो मकतब हो यानी मैं नमाज़ पढ़ने वाले लोग हो, यानी तमाम बच्चे जो है तो स्कूल में जाने वाले लोग हो, इनको हमेशा दिक्कत होती रहती है। जब ये मैं मेरे सामने जब ये नज़र के सामने आता है तो फ़ौरन मैं इस पर एक्शन लेता हूँ, और कहीं भी रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुहर्रम डालने का मैं काम करता हूँ अपनी जाती खर्चे से। और तमाम अपने आप को ये दावे करने वाले, इच्छुक उम्मीदवार कहने वाले 5 साल में आते गए कि भाई हम विधानसभा का इलेक्शन जो है तो पूर्व से लड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ इनको, अगर से तुम्हारे अंदर दम है, अगर से तुम विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आओ एक मरतबा पूरे नारेगांव के गली के अंदर मुहर्रम डाल कर देखो। मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ पूर्व से आपको मैं समर्थन कर दूंगा, लेकिन जो भी दावेदार है पूर्व के अंदर आओ एक मरतबा। ये बारिश का मौसम है, आने वाला विधानसभा अन करीब है, अगर से आप वाकई में जो है तो विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अपने आप को जो है तो खास जनता का नेता बोलना चाहते कहते हो, तो मैं बोलूँगा कि नारेगांव के अंदर एक मरतबा विधानसभा के इलेक्शन से पहले, बारिश के मौसम शुरू है और इनको थोड़ी जलने की इनको राहत दिलाइए। तो मान लो वाकई में जो है तो मैं बिल्कुल वादा करता हूँ, जैसा लोकसभा के अंदर मैंने आपको यानी समर्थन किया था, आज भी जो है तो विधानसभा के अंदर मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। विधानसभा के चुनाव में जब आप वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाएंगे तो किस बिना पर आप वोट मांगेंगे, क्या काम आप उनको दिखाएंगे कि मैं ये काम किया? बोल, मैंने 5 साल से मैं यहाँ पे रोडों का काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये बस्ती 50 से 40 हज़ार की आबादी नारेगांव के अंदर है, और ये आबादी कई भाई बाहर मुल्कों की नहीं है, ये आबादी है किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, बाजीपुरा, तमाम पूर्वों के लोग जो है तो नारेगांव के अंदर रहती है। ये तमाम इनके वोट 40 से 50 हज़ार वोट इनके यहाँ पे है, जिसका मैं विकास करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पुल का काम लाया हूँ, रोड के काम किया हूँ, ये बड़े रोड के अंदर जो है तो यहाँ का जो रोड देख रहे हैं आप, एक पहले यानी दरगाह वाली के सामने से, इसके अंदर यानी 80% मेरा योगदान है इसके अंदर रोड के लाने के अंदर।
तो ऐसे ये बड़ा पुल आप देख रहे हो जो ऊंचा पुल, यहाँ पे एक बाढ़ आई थी उसके वक्त जो तो हालात बिगड़ चुके थे उस वक्त, वो पुल के अंदर वो लाने का मेरा योगदान है, वो पुल बने लाया हूँ यहाँ पे। आज देखते हैं अंदर के दो पुल का काम, मैंने जो है तो इसकी मंजूरी लाया हूँ। और ऐसे जो है तो यहाँ पर जो अतिक्रमांग वाले आए थे, अतिक्रमांग वाले आने के बाद जो है तो उनको यानी जिसके मकान यानी सैकड़ों मकान टूट रहे थे वो मकान टूटने से मैंने बचाया हूँ। और आधार कार्ड मैंने यहाँ पे 6.5 से 7 हज़ार बगैर मफाद के, बगैर पैसों के, बगैर खर्चे के जो है तो 7 से 8 हज़ार जो है तो मैंने आधार कार्ड बनाया हूँ। आज 3 से 4 हज़ार 4.5 हज़ार मैंने इलेक्शन कार्ड बनाया हूँ। तो तमाम मैं कैम्प भी लेता हूँ, दवाखाने के कैम्प मेरा हर हमेशा यहाँ पर काम है। 24 घंटे में दवा खाने का मसला हों दो, शादी ब्याह का मसला हों दो, लॉकडाउन जैसे ये मैंने काम किया हूँ। जैसे आप पूछ रहे हैं कि अबे आप विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे हो, तो ये जो आज इच्छुक उम्मीदवार है उनसे भी पूछिए कि अबे आज जो है तो लोग पूर्व से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पर पूर्व के अंदर कभी विकास किया है? मैंने दलितों को साथ में लेके चला हूँ, दलितों का भी बहुत से काम किया हूँ, उनकी हर जयंती के अंदर मैं खड़े रहता हूँ, तमाम हिंदू भाइयों की जयंती के अंदर खड़े रहता हूँ, तमाम मुसलमानों के मसले मसाइल के अंदर मैं खड़े रहता हूँ। जो भी मसाइल है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो पूर्व के लोगों के, पूर्व के नहीं पूरे शहर के लोगों के लिए मैं खड़े रहता हूँ। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपको टिकट देंगे और आप कौन सी पार्टी से लड़ना चाहते हैं? देखो MIM से तो हम पहले स्टार्टिंग में इच्छुक और हमारे वादे भी हुए थे कि भाई आप विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हम हो सकता है इलेक्शन का आप बिल्कुल हम देखें, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है। जब उन्होंने जब हमारे से जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे नहीं कर सके तो मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है, जो उम्मीद ही जो तो ख़त्म हो चुकी है कि अब ये मुझे टिकट देंगे करके। 100% मैं समझता हूँ ये टिकट मुझे दे नहीं सकते, इसलिए मैंने हमने जो है तो इच्छुक उम्मीदवार कांग्रेस से जताया और कांग्रेस से हमारी बातचीत भी हुई। जैसा भाई पब्लिक बॉडी के भाई आपको जो है तो विधानसभा के इलेक्शन के अंदर आपको टिकट मिलने वाला था, यानी भाई आप तो MIM के इच्छुक उम्मीदवार थे, आपको उसके बारे में आपने भी चर्चा भी की थी, लेकिन इन्होंने जो है तो लोकसभा का इलेक्शन का मैंने मेरा फॉर्म लेने के बाद इन्होंने जो वादे किए थे ये वादे के ऊपर वो टिके नहीं है, तो इससे मुझे कोई उनको उम्मीद भी नहीं है और उनके ऊपर भरोसा भी नहीं है और ये भरोसे के एक लोग भी नहीं है। तमाम ये है जो तो वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं, बोलते कुछ और करते कुछ है, तो इसलिए मैंने जो है तो कांग्रेस का टिकट का एक इच्छुक उम्मीदवार मैंने तय किया हूँ। कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों के विरोधी होने का इल्ज़ाम लग रहा है अभी, जैसा लोकसभा में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया, विधान परिषद में भी मुस्लिम मुक्त कर दिया, फिर आप एक मुस्लिम चेहरा होकर कांग्रेस की तरफ से अगर उम्मीदवारी मांग रहे तो लोगों को कैसे आप मनाएंगे? देखो हमारी मांग रहेंगी पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को 30 जगह मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल कांग्रेस से लड़ेंगे। अगर से मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, मैं वादा करता हूँ, तमाम जनता से वादा करता हूँ, मैं अपक्ष लड़ूँगा। हमको ज़रूरत नहीं है जो मुसलमानों को यानी लेकर चल नहीं सकती वो पार्टी, हमको जो है ना उसकी पार्टी की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर से मुसलमानों को 30 पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी मांग रहेंगी 30 टिकट देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो कांग्रेस से इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, और नहीं देती है तो हम अपक्ष इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप अपना विधानसभा का नॉमिनेशन लोकसभा की तरह वापस नहीं लेंगे इस बार? मैं जनता से वादा करता हूं और 100% मैं बिल्कुल अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ में उतरा हूं और तमाम मीडिया के माध्यम से भी मेरा मामला चल रहा है, तमाम मीडिया के अंदर भी तमाम मैं महीने भर से मीडिया के अंदर अब ये इसमें भी दिया, मैंने औरंगाबाद तक इसमें भी दिया, अपडेट में भी दिया हूँ, तुम्हारे एशिया में भी दे रहा हूँ और तुम्हारे हमारे अंसारी साहब के इससे पहले उनके भी इसमें दिया था हूँ। ये पूरा टोटल मेरे मीडिया के माध्यम से एक महीने से चल रहा है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूँगा और वादा करता हूँ जनता से ये बारी को जो है तो मैं बिल्कुल वापस लेना बिल्कुल नहीं लूँगा और पूरी ताकत से साथ इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन में लड़ूँगा और उम्मीद है जीत के भी आऊँगा। उम्मीद है क्योंकि मेरी चाहत है, मेरा बचपन रहमाना किराड़पुरा अल्तमज कॉलोनी में मेरा बचपन गया है और इतनी चाहत है रहमानिया किराड़पुरा वाले मुझे बहुत बचपन से चाहते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर जो तो काम करने के लिए भी खरा खरा उतरूंगा और मुझे ईमानदारी से वोट भी डालेंगे इंशाल्लाह। लोकसभा के टाइम पर आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि चंद्रकांत खैरे से आपकी टक्कर है, MIM या संदीपान भूमरे से नहीं, और देखने को आया कि संदीपान भूमरे अच्छे खासे वोट लेकर जीत गए, तो अगर आप नॉमिनेशन वापस नहीं लेते तो आपको क्या लगता कितने वोट हासिल कर पाते आप? देखो सबसे पहली बात तो चांद रात आप समझ रहे हो, चांद रात यानी इलेक्शन के एक दिन यानी वोटिंग के एक दिन पहले इनकी मीटिंग हुई सिड़कों के अंदर इनकी मीटिंग हुई वो शटर के अंदर रात में 1 बजे के टाइम में। मुझे लगता है कि वहाँ के दाल में के काला हो गया रातों रात, क्या डील हुई इनका पता नहीं है,
इनके अंदर की बात तो नहीं बता सकता हूँ, इतना मैं तो आलिमुल गैब या मेरे बात को जानने वाला नहीं, लेकिन इनकी मीटिंग ज़रूर हुई थी N7 के अंदर, N7 के अंदर शटर के अंदर रात में 1 बजे इनकी मीटिंग हुई। अब ये मीटिंग अंदरूनी मीटिंग क्या थी, यानी साठगांठ की जो पार्टी बोलते ना साठगांठ वाली AV टीम, ये पार्टी के रात में 1 बजे मीटिंग हुई। अब ये मीटिंग के अंदर अंदरूनी बात क्या थी ये तो मुझे पता नहीं है, ये अल्लाह जानता है और ये खुद जानते हैं ये मीटिंग करने वाले। लेकिन बाबा एक सवाल है, जैसा अभी आपने कहा कि शटर के अंदर मीटिंग थी, तो फिर आपने उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? देखो उस वक्त मैंने समर्थन कर चुका था, उस वक्त मैंने समर्थन दे चुका था, जैसा मेरे को इत्तला मिली मैं पहुंचा वहां पे तो समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ बाकी हो सकता है, लेकिन मैंने इतनी गहराई भी नहीं गया। लेकिन जब एक्शन क्वांटिटी के टाइम में समझ में आया तो उसी दिन मेरे दिन को झटका लगा, कहीं ना कहीं ये साठगांठ का मामला हुआ है, ये उसी दिन मेरे समझ में आया जिस दिन काउंटिंग थी। तो मैंने उसी दिन यार वाकई में ये मैं इतनी गहराई के अंदर नहीं गया कि मैं हो सकता कोई पर्सनल बातें होंगी या भाई बड़े नेता है भाई कुछ ना कुछ राज की बात होंगी, लेकिन दूसरे तीसरे यानी भाई जो 4 तारीख को जो काउंटिंग हुई तो उसी दिन समझ में आया, उसी दिन शाम में 5 बजे समझ में आया कि वाकई में कुछ ना कुछ साठगांठ इनकी हो चुकी है। और अभी भी मैं समझ रहा हूँ तमाम औरंगाबाद के महाराष्ट्र की जनता से होशियार होना चाहिए, अभी आने वाले मजलिस के जो है तो तकरीबन सीटा खड़े रहने वाले हैं और इसका फ़ायदा पूरा टोटल BJP को जाने वाला है, टोटल BJP को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो तमाम अभी भी जो है तो मुसलमानों ने अगर से आपको कांग्रेस टिकट देती नहीं है तो आप अपक्ष खड़ा करो, कोई मजलिस से टिकट आप मत लो, और कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती तो आप अपक्ष खड़े रहो, अपना गढ़ जहाँ है 40% भी अपना है तो ऐसे भाईचारे और मोहब्बत से आप इलेक्शन लड़ो, लड़ो आप बिल्कुल लड़ सकते हैं आप तो, लेकिन मजलिस से आप टिकट लेकर मत खड़े रहो, वरना जो है तो इसका नुकसान सीधा सीधा जो है तो बिल्कुल जो है तो आम पार्टियों को हो सकता है, इसका फ़ायदा जो है तो BJP को फ़ायदा हो सकता है। तो तमाम मेरी जनता से भी अपील है, महाराष्ट्र की जनता से। आखिरी सवाल है पठान साहब कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है या जो भी उम्मीदवार रहेंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो इच्छुक उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या औरंगाबाद की बात कर रहे हैं? जो आपके खिलाफ खड़े रहने वाले, देखो इच्छुक उम्मीदवार को तो मैंने कहा इससे पहले भी कहा, अगर से जो इच्छुक उम्मीदवार है इन्होंने नारेगांव के अंदर अभी भी मैं समर्थन देने के लिए उनको तैयार हूँ और अभी भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, किसके लिए? अवाम के लिए, जनता के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए, जैसा पूरे औरंगाबाद की जनता के लिए मैंने अवाम के लिए कौम के लिए मैंने जो कुर्बानी दिया था आज भी फिर भी मैं कुर्बानी दे सकता हूँ, इस बुनियाद पर जहाँ कौम का मसला आ जाता हूँ मैं वहाँ बिल्कुल तैयार रहूँगा। आज इन्होंने नारेगांव के अंदर इच्छुक उम्मीदवार जो भी है उन्होंने हर गली के अंदर मुरम डालने का काम करना, मैं जो है तो अपना समर्थन उनको देने के लिए तैयार हूँ।